चंद्रपुर जिले के बल्लारपुर पुलिस लगातार चौके छक्के लगा रही है। उसने कल एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश कर चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 5 बाइक व 7 इंजन जब्त किए। आज दूसरे दिन उनके घर में सेंधमारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। किला वार्ड बल्लारपुर निवासी मालन श्रीहरि सातपुते उम्र 69 वर्ष, इनके घर में अज्ञात चोरों ने 12 सितंबर की दोपहर 12 बजे से 3 बजे के दौरान 139 ग्राम सोने के आभूषण, 250 ग्राम के चांदी के आभूषण और नकद राशि 2000, इस तरह कुल 8,51,000 का माल चुरा लिया था। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच कर रही थी। उक्त अपराध की जांच के दौरान बल्लारपुर पुलिस द्वारा प्राप्त सीसीटीवी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और गुप्त सूचना के आधार पर एक नाबालिग बच्चे को हिरासत में लिया गया और उक्त मामले में कानूनी प्रक्रिया के अनुसार जाँच की गई, जिसमें सारा मामला सामने आया, जिस पर बल्लारपुर पुलिस ने एक के बाद 3 आरोपी सोमनाथपुरा वार्ड राजौरा निवासी सचिन उर्फ बादशाह नगराले, मौलाना आजाद वार्ड बल्लारपुर निवासी दर्शन अशोक तेलंग और कमल नगर वडसा देसाईगंज जिला गढ़चिरौली निवासी विकास अजय शर्मा को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से लगभग कुल मिलाकर 8,20,000 रुपए का माल जब्त किया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोमक्का सुदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरीना जनबंधु इनके मार्गदर्शन में की गई। महान्यूज 7 के लिए नारद प्रसाद ठाकुर, चंद्रपुर। 13 सितंबर 2024 रोजी श्रीमती मालन सातपुते रानार किल्ला वार्ड यांनी पोलीस स्टेशनला येऊन तक्रार दिली की दिनांक 12 व 13 सप्टेंबरच्या मध्यरात्रीच्या दरम्यान त्यांच्या घरात घरफोडी चोरी होऊन त्यांचे एकूण 139 ग्राम सोन्याचे दागिने, 250 ग्राम चांदीचे दागिने व रोख 2000 रुपये चोरीस गेलेले आहे। सदरचे घरफोडी गुन्हा दाखल करून घरफोडीचा तपास करत असता पोलिसांना प्रथम एक विधी संघर्षित बालक ची माहिती मिळाल्यावरून त्यास ताब्यात घेऊन त्याच्याकडे विचारपूस केली असता अभिलेखावरील सचिन नगराळे, दर्शन तेलंग आणि विकास शर्मा असे 3 आरोपींना आपण अटक केलेली आहे। त्यांच्याकडून घरफोडी चोरी गेलेल्या मुद्देमालापैकी जवळपास 130 ग्राम सोन्याचे दागिने, 100 ग्राम चांदीचे दागिने आणि रोख रक्कम असं आपण हस्तगत केलेलं आहे। च्या तिन्ही आरोपींना आपण पोलीसकडे ठडी रिमांड घेण्यात आलेली होती व सध्या तपास चालू आहे, उर्वरित जो शोध चालू आहे पैशांचा त्या शोध घेत आहोत।